नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक ओर जहां कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है, वहीं वाराणसी में जनप्रतिनिधियों ने वाराणसी के जनता को ग्राम भरोसे छोड़ रखा है। वाराणसी के कैंट विधायक द्वारा बीते एक दिन पूर्व एक्सपायर जूस को लोगों को वितरण करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंट विधायक का जबरदस्त विरोध किया। इसके फलस्वरूप कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के खिलाफ युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वाराणसी के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर विधायक सौरभ श्रीवास्तव पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि वर्तमान विधायक ने सत्ता पक्ष में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया है। इसके पहले भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं, मगर सत्ता की हनक की वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल कौन दिया है? सुनील। सुनील मौर्या? हाँ, उनका नाम पूरा हम नहीं जानते, सुनील जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ, देने के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, हम पिए थे, हमको अच्छा नहीं लगा तो हम रख दिए। अच्छा, तो फिर पिए तो अच्छा नहीं लगा, कैसा लग रहा था? कैसा मतलब खराब? कैसा खट्टा पिट्टा लग रहा था। तो फिर हम इसको डेट दिखवाए अपने औरत को, तो वो बताए कि ये पुराना हो गया है। अच्छा, एक आध दो महीना पार हो गया है। आधा आप पी चुके थे इसका? हाँ। अच्छा, हाँ। इस पे देखिए जो मैन्युफैक्चर डेट है इसका, ये 24/9/2019 को 12:40 पे, यानी 24/3/2020 को ही एक्सपायर हो गया, यानी 32 दिन इसके एक्सपायरी डेट के हो गए और इसको यहाँ बांटा गया है। ये तिल भांडेश्वर क्षेत्र है जहाँ यह बांटा गया है। और आपका क्या नाम बताया? विनोद कुमार पासी। विनोद कुमार पासी जी हैं, ये आधा पी भी चुके हैं, इनको खराब लगा तो इन्होंने दिखाया तो लोगों ने बताया कि ये तो एक्सपायरी डेट हो चुका है। तो ये नहीं बताया कि कौन बटवा रहा है, उन्होंने तो दिया लेकिन बटवा कौन रहा है ये बताया नहीं? ये नहीं बताया। अच्छा, पिछले दो दिन पहले सोशल मीडिया और मीडिया में एक खबर चली कि कैंट विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए जूस उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तिलभांडेश्वर क्षेत्र में बांटा गया है। जब हम उसकी वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगाया तो ये जानकारी सही पाई गई। वो जूस का डब्बा भी हमारे पास है और लगातार विधायक जी द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। पिछले 6 महीने पहले ये लोलार कुंड का मेला जो बनारस में लक्ष्मी मेले के रूप में उपलब्ध है, गरीब मजलूम लोगों की सेवा है, एक्सपायरी जूस पिला के कर रहे थे, ग्लूकोज पिला के कर रहे थे। हम लोगों ने उसकी शिकायत सीएमओ से की, सीएमओ साहब भले मानस निकले, उन्होंने एक कमेटी बनाई, लेकिन शासन सत्ता दबाव में कहीं कोई जांच नहीं हुई। शायद उस समय ही ये जांच सही ढंग से हो गई होती तो आज इस दोबारा इस विधायक जी का रूप एकित करने की हिम्मत नहीं होती। निश्चित रूप से दबाव, वो शासन सत्ता में है, दबाव बना ले जाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है आपके माध्यम से विधायक जी को कि विधायक जी आप व्यापार अलग तरीके से करिए, लोगों की सेवा अलग तरीके से करिए। सेवा और व्यापार में अंतर होता है, आप व्यापार भी कर रहे हैं और सेवा भी करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने विज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं? हमारी ज्ञापन में मांग है कि उसको उपरोक्त प्रकरण की पूरे निष्पक्षता से जांच कराकर वास्तविक रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, ताकि भविष्य में एक नजीर बने कि इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत कोई जनप्रतिनिधि न उठा पाए।